दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गूगल का वेब मास्टर टूल कैसे यूज करते हैं और अपनी जो ब्लॉग या वेबसाइट हम वेरीफाई कैसे कराते हैं। तो देखते हैं, फिर टाइप करेंगे google.com। इसमें हम टाइप करते हैं गूगल वेब मास्टर टूल, गूगल वेब मास्टर मास्टर टूल्स। देन हम इसमें गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च सेंट्रल, गूगल वेब मास्टर टूल, गूगल, हम इसको जो है क्लिक करेंगे गूगल वेब मास्टर कंसोल को। देन हम यहाँ पे आएंगे साइन इन बटन पे, साइन इन करेंगे। तो ये सर्च इंजन कंसोल का जो है खुल गया है। इसमें जो है हम अपना यूआरएल जो है वेरीफाई कराते हैं, जैसे कि हमारा ये ब्लॉग है, ये एक ग्रो, ये इसको मैं आपको के दिखा देता हूँ, ग्रोथ। तो हम आपको ये बताते हैं कि हम कैसे अपना जो है वे मास्टर वेरीफाई कराते हैं गूगल का। तो हम अपना यूआरएल उठाते हैं और जो है इसमें हम पेस्ट कर देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। देन हमें एक कोड मिलेगा, एचटीएमएल फाइल। इसमें क्या करते हैं हम जो है कि डाउनलोड करते हैं ये और सीधे जाके जो है अपने वेबसाइट के सी पैनल में अपलोड कर देते हैं, जिससे कि उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके वेरीफाई करा देते हैं, जिससे वेरीफाई हो जाता है हमारा वेब मास्टर। और दूसरा एक है कि इसमें बहुत सारे हैं, इसमें गूगल एनालिटिक, गूगल टैग मैनेजर, जीटीएम के थ्रू जो है अपना वेरीफाई कराते हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर DNS के थ्रू हम कराते हैं। तो हम एक इजीली बता रहे हैं, इसमें एक टैग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे कि गूगल टैग ही है। हम कॉपी करते हैं यहाँ से और जो है अपने साइट पे जाते हैं। तो ये जो है टैग हमें हेड टैग में लगाना है। तो हम आते हैं माई साइट पे और यहाँ पे हम, चूँकि ये हमारा वर्डप्रेस है तो इसमें हम हेडर में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो हम सेटिंग पे आते हैं, हेडर हमें खोजना है कहाँ पे मिलेगा हमें हेडर। टूल्स पे आते हैं, ट्रैफिक्स में आते हैं। तो इसमें जो है हमें हेडर का जो है ये मिल गया हमें। यहाँ पे हम गूगल का वेरीफाई कराएंगे, यहाँ पे बिंग का कराते हैं, यहाँ पे पिंटरेस्ट का कराते हैं, ये अदर्स जो भी है, यांडेक्स सर्च इंजन। तो जो हमने कोड कॉपी किया हुआ था यहाँ पे ला के हम पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेव हो गया। देन हम यहाँ पे आते हैं वेरीफाई पे। तो वेरीफाई पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देन हमारा जो है वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। तो ये हमारा जो है गूगल वेब मास्टर टूल में जो है हमारा यूआरएल ऐड हो गया।
तो इसमें हम आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, अपनी साइट का जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यूआरएल इन्फेक्शन इन्फेक्शन करा सकते हैं। इसमें हम जो भी साइट की, अगर हमें इंडेक्सिंग वगैरह क्रॉलिंग वगैरह उसमें देखनी है तो फिर हम इसमें हम इंडेक्सिंग देख सकते हैं। इसमें गूगल इंडेक्सर, ये देखिए टेस्ट टू लाइव यूआरएल, टेस्ट का रिक्वेस्ट टू इंडेक्सिंग के लिए हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो है गूगल में इंडेक्स हो जाएगी हमारी जो है वेबसाइट या ब्लॉग जो भी है। ये हम रिक्वेस्ट टू इंडेक्सिंग के लिए डाल दे रहे हैं। तो एक बार टेस्टिंग करने के बाद जो है ये हमारा जो है विथ इन सम टाइम में ये इंडेक्स हो जाएगा। तो ये क्या, ये कैप्चा है, तो कैप्चा हम फिल करेंगे। ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, कौन सा ट्रैक्टर है, ये भी है ट्रैक्टर। तो ये इंडेक्स रिक्वेस्ट के लिए चला गया है। गूगल ने जो है हमारी जो भी हम वर्क दिए हैं गूगल को, हमारा इंडेक्स कर लिया है। तो एंड एक चीज़ है, ये साइट मैप हमारा, इसमें हम साइट मैप भी इसमें सबमिट कर सकते हैं कि जितने भी हम गूगल में या अपनी वेबसाइट पे जितने भी हम पेज ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है गूगल जो है समझता जाएगा कि हमारी वेबसाइट में कितने पेज हैं। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल फाइल होती है हमारे साइट मैप की। तो ये भी साइट मैप भी सक्सेसफुल है। तो इसमें हम, अगर हमें दूसरी भी वेबसाइट या ब्लॉग ऐड करना होगा तो फिर हम भी यहाँ से ऐड करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, अगर हमें एचटीएमएल वेबसाइट पे लगानी होगी तो आगे मैं किसी अदर्स वीडियो में बता दूंगा। ये मेन चीज़ वर्डप्रेस में कैसे हम वेब मास्टर टूल ऐड करते हैं, वेरीफाई कराते हैं, उसके लिए था।